अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जिस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करेंगे ये सुजुकी बोलान कैरी डब्बा 2007 का मॉडल है। फ्रेंड जुमा बाज़ार सरगोधा में दोस्तों ये गाड़ी न्यू शान मोटर्स पर बरोज़ जुमा जुमा बाज़ार में आई हुई थी। तो फ्रेंड इस गाड़ी का मैंने टोटल रिव्यू लिया है दोस्तों, और इस गाड़ी का टोटल रिव्यू करेंगे। ओलाइरम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं दोस्तों, ब्रांड न्यू टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। कंडीशन वाइज गाड़ी ठीक है, डिमांडिंग प्राइस भी एक मुनासिब डिमांड है जिसकी आगे चल के तफसील से बात करेंगे। और फ्रेंड इस गाड़ी का हम टोटल रिव्यू करेंगे जिसमें इस गाड़ी की इंटीरियर एक्सटीरियर की टोटल इन्फॉर्मेशन, इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, गाड़ी की लोकेशन, इसके अलावा गाड़ी के ऑनर का मोबाइल नंबर प्रोवाइड करूँगा। और फ्रेंड इस गाड़ी की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं टोटल आपके साथ शेयर करूँगा। गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखना है। फ्रंट लुक आपने देखी दोस्तों, ये है लेफ्ट साइड। बैक लुक गाड़ी की देखें, बिल्कुल ओके है दोस्तों। ओलाइरम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है जो कि आफ्टर मार्केट है। और बाकी इसके अलावा फ्रेंड गाड़ी के फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर, साइडों पर सेफ गार्ड इंस्टॉल करवाए गए हैं स्टील बॉडी में दोस्तों, जो कि आपके सामने हैं। और कलर वाइज अगर बात करें तो गाड़ी अंदर से टोटल जेन्युइन है, बाहर से तकरीबन 50% ये गाड़ी जेन्युइन अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर है। और ये दोस्तों पिछला टायर, ये इस गाड़ी का पंचर हुआ है तो उन्होंने इसकी स्टपनी लगाई है। बाकी इसके चार व्हील जो हैं ओलाइरम के इंस्टॉल करवाए गए हैं और पांचवा टायर भी इसके साथ है। और डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी की क्लियर हैं जिनके आगे चल के तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मैं फ्रेंड आपको इस गाड़ी की लोकेशन बताने लगा हूँ। न्यू शान मोटर नज न्यू जर्नल बस स्टैंड सरगोधा, ये फ्रेंड इस गाड़ी की लोकेशन है। और गाड़ी के ऑनर हैं अब्दुल रहमान साहब, उनका मोबाइल नंबर भी आप नोट करें 0300 60 48 544, ये नंबर उनका आपको इस वीडियो के थंबनेल से भी मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक और भी वीडियो दोस्तों 2008 का मॉडल, दो चार दिन पहले की एक वीडियो है सुजुकी बोलान की, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आपको ये गाड़ी पसंद ना आए, ये 7 का मॉडल है तो दोस्तों ये 8 का मॉडल है, वो भी देख सकते हैं दोस्तों। ये सादा इंजन में है, यूरो नहीं है, लाहौर सिटी की रजिस्टर्ड गाड़ी है दोस्तों। हेडलाइट्स इसके अंदर इसके जेन्युइन भी इंस्टॉल हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बीम्स जो उन्होंने इंस्टॉल करवाई हैं फ्रंट पे लगी हुई हैं बम्पर के साथ, वो आफ्टर मार्केट की बहुत हाई लाइट इसकी जो बीम्स हैं दोस्तों, ठीक हो गया। और बाकी फ्रेंड फ्रंट बम्पर आपने देख लिया, बिल्कुल ओके है। ये गाड़ी की लेफ्ट साइड भी बिल्कुल ओके है, मैकेनिकल गाड़ी बिल्कुल फिट है, फ्यूल टाइप गाड़ी पेट्रोल पर है दोस्तों। थोड़ा बहुत जंग और थोड़े बहुत काम गाड़ी के होने वाले हैं दोस्तों, जिनकी तफसील से मैं आपको बात करूँगा दोस्तों। ये इसका साइड से देखो दरवाजे का नमदा भी थोड़ी जगह से फटा हुआ है। बाकी डैशबोर्ड तकरीबन दोस्तों गुजारे लायक ठीक है, इतना गया गुजरा नहीं है, गुजारे लायक आपको मिल रहा है। मैकेनिकल दोस्तों तकरीबन ये गाड़ी फिट है। मैकेनिकल इंजन की कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा, नोट कीजिएगा। मैकेनिकल इंजन की कंडीशन भी गाड़ी की तकरीबन दोस्तों ठीक है, फ्यूल एवरेज गाड़ी की ज़बरदस्त है, फ्यूल टाइप गाड़ी पेट्रोल पर है। और बाकी फ्रेंड आप देख सकते हैं कोई लीकेज वगैरह नहीं है दोस्तों। 2007 का मॉडल है, पुराना मॉडल है, लेकिन दोस्तों कंडीशन आपने देखी है जो तकरीबन दोस्तों ठीक है। फैमिली यूज़ कार है दोस्तों, इसकी जो रियर सीट्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इंटीरियर आप देख रहे हैं दोस्तों, गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल ओके है। और दूसरी साइड से भी मैकेनिकल इंजन की कंडीशन फ्रेंड आपको दिखाऊंगा, जिसमें गाड़ी के हेड सिलेंडर और बाकी इसके जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों उनकी कंडीशन आपको दिखा दूंगा, वो भी आप नोट कीजिएगा। व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का टोटल जेन्युइन है दोस्तों, और मैकेनिकल फिट है। मैकेनिकल तौर पर गाड़ी का किसी किस्म का कोई काम होने वाला नहीं है, ऑनर के मुताबिक दोस्तों बिल्कुल फिट है। लोकेशन फ्रेंड आपको पहुंच चुकी है। और बाकी फ्रेंड आप देख सकते हैं अंदर से जो कंडीशन है दोस्तों, कैरी बोलान थोड़े हल्के बहुत जंग वगैरह है आपको नज़र आ रहा होगा। पुरानी गाड़ी है दोस्तों, 2007 का मॉडल है, ओल्ड मॉडल है। कंडीशन आप देख लें दोस्तों, हल्का फुल्का जंग वगैरह है, कुप्पे वगैरह देख लें, क्लियर है। मैकेनिकल तकरीबन दोस्तों ठीक है। और बाकी भी गुजारे लायक दोस्तों गाड़ी की कंडीशन है। बाकी इसकी जो बैक रूम्स की कंडीशन है वो भी आपको दिखाई जाएगी। उससे पहले फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको बता देता हूं। फ्रेंड गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स टोटल ओरिजिनल हैं, जिसमें ओरिजिनल फाइल कॉपी, बायोमेट्रिक अवेलेबल, टोकन टैक्स इसके लाइफ टाइम के लिए अपडेट हैं। इसके अलावा फ्रेंड कंप्यूटराइज ओरिजिनल नंबर प्लेट्स गाड़ी के साथ हैं, बायोमेट्रिक मौका पर मौजूद हैं।
और 200 टोकन टैक्स इसके लिए लाइफ टाइम के लिए अपडेट करवाए जा चुके हैं। गारंटी ऑनर के मुताबिक 200 टोटल पेड हैं और लाइफ टाइम के लिए टोटल पेड करवाए गए हैं 200। इसके अलावा फ्रेंड गाड़ी की छत वगैरह देख लें, तकरीबन 200 ठीक है, हल्का फुल्का जंग वगैरह है। रियर सीट्स गाड़ी की भी गुजारे लायक हैं 200, जो कि इसकी अपनी शायद जेन्युइन है या दोबारा इसकी जो है उन्होंने पोशिंग करवाई है, आपके सामने है। मज़ीद आप जाकर भी चेक कर सकते हैं 200, लोकेशन आपको बता चुका हूँ। और ये 200 आप देखिए, इसमें आफ्टर मार्केट से उन्होंने इसके अंदर एक फ़ैन इंस्टॉल कर, जो कि एक ब्लोअर है 200, अच्छी खासी हवा इसकी आ जाती है, जो कि रियर सीट्स पर भी काम करती है और फ्रंट जो है इसकी सीट्स हैं वो भी उस पर भी काम कर रही है। फ्रंट पर भी इसका 200 है, दूसरी ग्रिल लगी हुई है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर 200 ब्लोअर होता है और तकरीबन 200 कंडीशन अंदर से देखें छत की, तो हल्का फुल्का जंग वगैरह तो है लेकिन कोई ज़्यादातर दाग धब्बे नहीं है। तकरीबन 200 गुजारे लायक आपको इसकी छत की कंडीशन भी मिल रही है। इसके अलावा फ्रेंड गाड़ी की जो डिटेल्स रहती हैं टोटल आपको बताई जाएंगी। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं हूँ जहरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कार वर्ल्ड जोन पी के। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपको पता है मेरी वीडियो रियल होती है मेरे चैनल पर। जितनी ऑडियंस टोटल सब्सक्राइबर जानते हैं कि मेरी वीडियो रियल होती है, फेक वीडियो मैं अपने चैनल पर कभी भी अपलोड नहीं करता, रियल वीडियो ही अपलोड करता हूं। उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो आज चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट बर वक्त और बासानी सीरियल वाइज आप तक पहुँचती रहे। ठीक हो गया दोस्तों, बाकी फैन अंदर से मैं आपको दिखाऊँगा इसका डैशबोर्ड, गाड़ी की ऑडियो जो मैं आपको क्लियर तो नहीं बता सकता क्योंकि इसके मीटर आगे पीछे बहुत आसानी हो जाते हैं। कॉर्डेक गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, जिसमें गाड़ी के रियर स्पीकर फ्रंट स्पीकर बिल्कुल ओके हैं। और डैशबोर्ड की अगर बात करें तो तकरीबन 200 ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, कोई मेन प्रॉब्लम या कोई टूट फूट या कोई ज़्यादातर डैमेज वगैरह नहीं है 200, तकरीबन गुजारे के हिसाब से 200 तकरीबन ठीक है। ये फ्रंट आ गया, इसका फ्रंट जो ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड दोनों पर ब्लोर जो मैंने आपको पहले बताया वो भी कंडीशन आपने देख लिया है 200। बाकी फ्रंट अंदर से देखिएगा, इसकी जो फ्रंट सीट्स होती हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं। बैक रूम भी गाड़ी को कोई 7 सीटर गाड़ी जो है 200 ये बनवाई गई है, और स्कूल वैन के तौर पर भी आप इससे काम ले सकते हैं। और बाकी फ्रेंड लोकल के लिए भी, फैमिली यूज़ के लिए आपको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन वाइज आपने देख लिया 200, अंदर बाहर से गाड़ी ठीक है। सीएनजी किट भी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल रही है, लेकिन 200 इस वक्त इसके अंदर नहीं है, उन्होंने निकलवा दिया क्योंकि सरगोधा में सीएनजी तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। लेकिन 200 पेट्रोल पर जो है गाड़ी अभी इस वक्त ये चल रही है, फ्यूल टाइप गाड़ी जो है पेट्रोल पर है, और फ्यूल एवरेज गाड़ी की ऑनर के मुताबिक अच्छी है। जो वो बता रहे थे उसके हिसाब से 200 गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज उन्होंने मुझे बताई है वो तकरीबन ठीक है, 212-13 की एवरेज उन्होंने मुझे बताई है, जो कि इस मॉडल के हिसाब से काफ़ी आपको अच्छी मिल रही है। ठीक होगा 200, कंडीशन अंदर बाहर से आपने गाड़ी की देखी तकरीबन 200 ठीक है। बाकी डिमांडिंग प्राइस की फ्रेंड बात करेंगे, डिमांडिंग प्राइस इस गाड़ी की ओनर ने 7 लाख रुपये डिमांड की है, जो कोई फाइनल प्राइस नहीं है, डिमांड है। डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है और कमी पेशी आपको की जाएगी जो कि मौके पर होनी है। इंशाल्लाह अच्छी खासी कमी पेशी हो जाएगी। अगर आप सरगोधा से हैं तो आप तशरीफ़ ले आएँ, अगर किसी दूसरी सिटी से हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। अब्दुलरहमान साहब का ये ऑनर हैं जो इस गाड़ी के। बाकी फ्रेंड बैक ट्रंक आप देख रहे हैं 200 तकरीबन ठीक है, और कंडीशन वाइज गाड़ी बेहतरीन है। ठीक हो गया, लाहौर सिटी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी के क्लियर हैं, और तकरीबन हर लिहाज से गाड़ी जो है आपको क्लियर कंडीशन में मिल रही है। ठीक हो गया दोस्तों, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला इस तरह की किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।